आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। हम आज हर प्रत्याशी से मिलवा चुके हैं सुबह से शाम तक, परंतु कांग्रेस के प्रत्याशी हमसे रूबरू नहीं हुए थे आप लोगों से, तो हम उनसे भी मिलवा देते हैं। इनका क्या कहना है? इनका इंदुराज, इंदुराज नाम है, वैसे उर्फ भालू भी बोलते हैं इनको। इंदुराज जी, टिकट मिली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टिकट मेरे को नहीं, मेरे दलखाई टिकट है ये, और ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा की टिकट है, और उन्हीं ने मेरे को टिकट दी है और उन्हीं का आशीर्वाद है, और कोई फालतू बात नहीं है। इंदुराज जी, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया, इस इलाके के लिए दाव पर लगा दिया। एक गरीब परिवार के बच्चे को, किसान के बेटे को, आम परिवार के लड़का हूँ, उसको टिकट दे गए, एक इतिहास रचने काम किया है। इंदुराज जी, कांग्रेस के एक दर्जन प्रत्याशी थे, आपको पता कहीं ना कहीं बगावत के सुर हर पार्टी में देखे जाते हैं, आपके पार्टी में कहीं ना बगावत के सुर दुख जरूर देखे जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिली कहीं कहीं वो नाराज है, किसी न किसी धड़े पे इल्जाम लगा रहे हैं हमें टिकट नहीं मिली, तो आप इस चुनाव को किस तरह से देखेंगे? क्योंकि आपके पार्टी में कहीं बगावत है, दूसरी पार्टियों में बगावत सब पार्टियों में होती है, आपको टिकट नहीं मिली तो उसको लेके आप अपने चुनाव को किस तरह से उठा पाएंगे, कैसे अपनों से कैसे पार पाएंगे? भाई जी, मेरे से कोई नाराज नहीं है, सारी कांग्रेस पार्टी एक है। या कांग्रेस का मतलब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है, यहाँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का घर है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के सारे वर्कर थे, अब मैं भी एक वर्कर हूँ, आगे भी वर्कर बनकर काम करूंगा, और इसे ना मेरे से कोई नाराज होगा ना कोई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से नाराज होगा। अभी डॉक्टर कपूर नरवाल थे, बोले हमारी टिकट है, फाइनल है सुबह 12 बजे तक, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी ठोक दी, और किसान जैसे बलराज गुंडू वगैरह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो कहने की चुनाव पे फर्क आपका असंभाविक है पड़ेगा, तो इतनी राह आसान नहीं है आपके चुनाव की जिस कदर आप कह रहे हैं कि चुनाव इतना आसान है। भाई जी, कपूर नरवाल मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई, ठीक है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र जी ने उसके लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन सौभाग्य की बात होती है, ये मेरे को मिली, ये भी मेरे बड़े भाई कपूर नरवाल की टिकट है, कोई बात नहीं, कोई रुसा खुशी नहीं, कदी आपको ना मेरे साथ खड़ा दिखा, कंधे से कंधे मिला के इलेक्शन लड़ा कपूर। पर्चा आपने भरा, पर्चा उन्होंने भी भर दिया, इन लोगों ने सभी ने पर्चा वहाँ आपने अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिलेंडर कर चुके हैं, बीजेपी की डी टीम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि डेमी कैंडिडेट उठा दिया आपको। अभी नरवाल जी से बात हो रही थी हमारे डॉक्टर से, तो उन्हें बोले जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, डेमी कैंडिडेट उठा दिया, अगर जिताऊ होता तो मैं जीतता, 20,000 वोट मेरे पर्सनल हैं। तो यहाँ भी आप रिनाना गाँव के, दो पंचायतें रिनाना गाँव में भी 12,500 के आसपास वोट होंगे आपके गाँव के मेरे ख्याल से, तो आप अपने चुनाव को किस तरह देखते हैं? क्या इन लोगों से जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, खाते पीते हैं, राजनेता हैं, आप एक गरीब परिवार से किसान के बेटे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा चुनाव लड़ा आपने जिला पार्षद का, इतना बड़ा चुनाव पहली बार वो भी कांग्रेस के टिकट से, तो आप अपने चुनाव को इस तरीके से इन लोगों के बीच में कैसे उठा पाएंगे? नहीं, उठा क्यों नहीं पाऊंगा, ये डरते बोल रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट हूँ मैं, कोई बहुत काला कैंडिडेट नहीं, ठीक है, अरिशा लगेगा, सबसे लाडला बेटा और भाई हूँ मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, इस सीट पे पूरा विरोधा लगा ना, मेरे को कंधे पे बिठा के जीत लाएगा, और ये हल्का विरोधा की जीत होगी, और ये हल्का विरोधा की जीत। थैंक यू भाई। एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, भालू क्यों बोलते हैं आपको? भालू, भालू, भालू मेरा प्यार से नाम है, बहुत प्यार से कहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं प्रिंस लामा को कहूंगा एक बार दिखा दिया जाए, ये भालू प्यार का नित नेम नहीं है, प्यार का नाम है, और ये जनता है, ये बामनवास गांव की सीमा पे मौजूद हैं, और ये बनवासा 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 गांव की सीमा पे मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकी है कांग्रेस के टिकट से। अभी किसी को भरोसा नहीं था कि इंदुराज नरवाल को टिकट मिल पाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट कांग्रेस के यहाँ पे अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं इंदुराज को टिकट देके एक अचंभा सा कर दिया कांग्रेस ने। और यहाँ पे किस कदर यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है, लोग पैदल हैं, साइकिलों पे हैं, मोटरसाइकिलों पे हैं, ट्रैक्टरों में हैं, इंदुराज ने अपनी दावेदारी सशक्त रूप से ठोकी है। यहाँ पे दीपेंद्र आए हुए थे चुनाव पर्चा भरवाने के लिए, और यहाँ पे और भी एक दो नेता आए हुए थे। सुबह से अटकलों का बाजार गर्म था कि टिकट कहीं ना कहीं मैन मौके पे बदली जा सकती है, डॉक्टर कपूर नरवाल का नाम आ सकता है, अजीत
जीता उड्डा का नाम आ सकता है। बड़े बड़े नामों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने एक मध्यम वर्ग परिवार के जो जिला पार्षद के जो भालू हैं इंदुराज नरवाल उनको टिकट दे के कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि कांग्रेस भी एक मध्यम वर्ग परिवार जो जमीन से जुड़े लोगों को टिकट देने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि हम खाते पीते लोगों को ही टिकट देते हैं। अब सोचना यह होगा क्या इंदुराज नरवाल इतने बड़े बड़े जो टिकट आती हैं उनको टक्कर किस तरह दे पाएंगे। उनके खुद के पार्टी के दौर विरोधी हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाई उनके बगावती सुर भी कहीं ना कहीं नीचे नीचे देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी नैया को अपनी गाड़ी को बड़ौदा विधानसभा से इंदुराज नरवाल उर्फ बालू किस तरीके से पार लगा पाएंगे ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ बड़ौदा विधानसभा से सुबह तक के हमने पूरी अपडेट आपको दिखा चुके हैं। कल फिर मिलते हैं सुबह से शाम तक ताजा तरीन अपडेट के लिए। जब तक देखते हैं अब हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ।